नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण उपरांत औजार की खरीद के लिए मिलते हैं इतने अनुदान। मॉनसून में 10 जिलों का भू स्तर खिसका नीचे। जातीय गन्ना मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैवियट। इस वजह से फिर से बढ़ सकती है टमाटर की कीमत। रोहित विराट को रेस्ट दिए जाने पर हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव के पदों पर हो रही भर्ती। ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर असिस्टेंट फीटर के 69 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के इच्छुक हैं, उनको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट www.oil-india.com नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती प्रोसेस की पूरी जानकारी साझा कर दी गई है। अभ्यर्थियों को बता दें कि इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 अगस्त 2023 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में मांगे गए सभी विवरण को भरकर और संबंधित दस्तावेज अटैच करने के साथ इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह पर अंकुश लगाने जैसे कार्यों को किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत विभाग की ओर से कन्या के जन्म पर भेंट स्वरूप 2,000 रुपए की राशि कन्या शिशु के माता पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसके साथ ही कन्या के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रथम जन्म दिवस पर भेंट स्वरूप 1,000 रुपए दिए जाते और फिर कन्या शिशु के 2 वर्ष से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए ई कल्याण पोर्टल icdsonline.bih.nic.in/ पर आवेदन किया जा सकता है। हालांकि आवेदन करने से पहले माता पिता का आधार एवं बैंक खाता विवरणी और बच्चे का जन्म पंजीकरण तथा आधार पंजीकरण कराना आवश्यक है। बता दें कि इस योजना का लाभ बिहार के निवासी परिवार को ही दिया जाएगा। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने निकटतम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मीरा कुमार के बारे में। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इन्हें देश की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1973 में मीरा कुमार भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS जैसे सम्मानित पद के लिए चयनित हुई। मीरा कुमार काफी दिनों तक ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस में उच्चायुक्त रही। वर्ष 1984 में मीरा कुमार ने भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा दे दिया। मीरा कुमार एक कवित्री भी हैं। उनकी कई कविताएं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। शास्त्रीय संगीत में उनकी विशेष रुचि है। इसके साथ ही मीरा कुमार हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश और भोजपुरी भाषाओं की ज्ञाता है। मीरा कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1985 में की। यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट से मीरा कुमार ने त्रिकोणीय संघर्ष में रामविलास पासवान और मायावती को चुनावी अखाड़े में चित किया और संसद पहुंची थी। 1996 और 1998 में मीरा कुमार ने दिल्ली की करोलबाग सीट से लोकसभा का चुनाव जीता, जबकि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार की सासाराम सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। वर्ष 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मीरा कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनी, जबकि 2009 में वे लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंची। जातीय गन्ना मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैवियट। बिहार में जातीय गन्ना को लेकर बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल की गई है कि बिना बिहार सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई और आदेश जारी न किया जाए। मालूम हो कि बीते मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगाई रोक को हटाते हुए इस संबंध में सभी याचिका को निरस्त कर दिया गया और बिहार सरकार को राहत देते हुए जातीय गन्ना जारी रखने का आदेश दिया गया। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से बीते दिन से ही जातीय गन्ना का कार्य शुरू हो चुका है। प्रदेश में मोटा अनाज के विकास का बनेगा रोड मैप।
राज्य सरकार की ओर से हैदराबाद तेलंगाना की विश्व स्तरीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान की मदद लेकर राज्य में मोटा अनाज के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। बता दें कि संस्थान की ओर से इस व्यापक कार्य योजना को लेकर 2023-24 से 2027-28 के लिए नामांकन के आधार पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके लिए 16.21 करोड़ रुपए इस साल के लिए संस्थान को दिए जाएंगे। इस बारे में कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसके तहत जिलों में मोटे अनाज की संभावित खेती का अध्ययन होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि अभी कहां कहां क्या होता है, भविष्य में कौन सी खेती हो सकती है, कहां सिंचाई की क्या सुविधा है, कहां इसकी कैसी उपलब्धता हो सकती है, मोटे अनाज के लिए बीज की उपलब्धता, उत्पाद की प्रोसेसिंग कैसी होगी, पैकेजिंग कैसी होगी, इसका बाजार क्या होगा समेत सभी तरह के विस्तृत जानकारी शामिल होंगे। बिहार कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए OFSS VSEB की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो 2023 में बिहार कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा बिहार OFSS तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि इसकी पहली सूची बीते 27 जून को घोषित की गई थी और फिर दूसरी सूची 18 जुलाई को जारी की गई थी। वहीं अब तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उम्मीदवार को BSEB OFSS बिहार मेरिट सूची देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने जिले का नाम दर्ज करना होगा। निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण उपरांत औजार की खरीद के लिए मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण उपरांत औजार की खरीद हेतु औजार क्रय योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि अधिकतम 15,000 रुपए तक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इस अनुदान को पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रता निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत यह अनुदान कुशल उन्नयन प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड के औजार की खरीद पर दिया जाता है और साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों का बोर्ड से निबंधन एवं सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसे में निबंधन हेतु निर्माण श्रमिक https://bocw.bihar.gov.in/website/labor-reg.aspx पर विजिट करें। और वैसे निर्माण श्रमिक जो निबंधित हैं वह https://bocw.bihar.gov.in/website/scheme-apply.aspx पर विजिट करें। वहीं इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए निर्माण श्रमिक दूरभाष नंबर 0612-2525-5558 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पिपला गुफा के बारे में। पिपला गुफा राजगीर के वैभव पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो पहरेदारी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बाद में इसे बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल बनाया गया। इसे काफी बड़ी 22 उच्च प्राचीन पत्थर संरचना स्थानीय रूप से जरासंध की बैठक के रूप में जाना जाता है। महान कुख्यात राजा का बैठक मुख्यालय था। यह स्थान सप्तपर्णी गुफाओं के रास्ते में ब्रह्मा कुंड के ठीक ऊपर स्थित है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह साइक्लोपियन दीवार पैच हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह साइक्लोपियन दुर्ग दीवार का एक हिस्सा है, जिसे कुछ सैन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान को बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यप के निवास के रूप में पिपला गुफा के रूप में उल्लेखित किया गया है। कुछ शिक्षाविदों के अनुसार यह स्थान जुआन जांग के वर्णन से मिलता जुलता है, जहाँ देवदत्त ने अंतिम सांस ली थी, जो कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता के सेलिब्रेशन के लिए सेल्फी कंपटीशन में भाग लेकर जीते नाम। दरभंगा हवाई अड्डा देश के शीर्ष हवाई अड्डों में से उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत शीर्ष हवाई अड्डों में से एक है। SMS खुशी का उत्सव मनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें आप भी भाग लेकर जीत सकते हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता का नाम दरभंगा गेटवे टू मिथिला सेल्फी प्रतियोगिता दिया गया है। मालूम हो कि शीर्ष 20 प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 500 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा और प्रसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा blog.mygov.in पर जारी किया जाएगा। अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो 30 अगस्त 2023 तक आप https://www.mygov.in/task/darbhanga-gateway-mithila-selfie-contest/website पर लॉग इन कर इसमें भाग ले सकते हैं।
मॉनसून में 10 जिलों का भू स्तर खिसका नीचे। बिहार में मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन सही मात्रा में बारिश न होने के कारण राज्य के 10 जिलों के जल स्तर में कमी आ गई है। बता दें कि यह कमी जून के बाद एक महीने में आई है। मालूम हो कि इस बात की जानकारी PHED यानी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट से सामने आई है। इस रिपोर्ट में राज्य के 28 जिलों के जल स्तर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर जिन 10 जिलों के जल स्तर में कमी आई है उनमें सीतामढ़ी में भी स्तर 17.1 फीट पर पहुंच चुका है, तो वहीं जहानाबाद में 30, शेखपुरा में 38, गया में 36.9 फीट, औरंगाबाद में 34.5 फीट, अरवल में 24.4, लखीसराय में 27.1, समस्तीपुर में 22.2, सहरसा में 15.1 और वैशाली में भी 15.1 फीट पर भूमि का जल स्तर पहुंच चुका है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से चापाकल की विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। डिजिटाइज्ड राजस्व मानचित्रों को घर बैठे पाने के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डिजिटाइज्ड राजस्व मानचित्रों को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी लोगों पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको जिलों के मानचित्र के साथ पेज की बाई तरफ 5 विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें एरिया टाइप, मैप टाइप, डिस्ट्रिक्ट, थाना, म्यूनिसिपल और मौजा वार्ड शामिल है। ऐसे में आप मौजा वार्ड के आधार पर सर्च मैप को क्लिक करें, अपने मौजा के नक्शे का देखें और सीट सेलेक्ट करें। बता दें कि एक बार में किसी भी जिले के अधिकतम 5 सीट को सेलेक्ट कर कार्ट में डाला जा सकता है। मालूम हो कि एक सीट का नक्शा मंगाने के लिए आपको ₹285 का भुगतान करना होगा। इसमें कंटेनर व्यय और डाक शुल्क शामिल है। अब वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे दिखाई देगा, इसके बाद डिलीवरी एड्रेस भरकर चेकआउट करना है। पेमेंट का विकल्प पे नाउ दिखेगा, जिस पर क्लिक करने से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान होने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त रसीद दिखेगी, जिसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। वहीं इससे जुड़े सुझाव या शिकायत हेतु mpbydsd1912@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। शिक्षकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ रद्द, जारी हुआ आदेश। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से बिहार में जाति गणना की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए बीते दिन नीतीश सरकार के द्वारा शिक्षकों के चल रहे प्रशिक्षण कार्य को रद्द कर दिया गया है, ताकि वे जाति गणना के कार्य में लग सके। मालूम हो कि इस संबंध में SCERT के निदेशक सज्जन आर के द्वारा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के शीर्ष अधिकारियों, सभी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक विद्यालय एवं ब्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों से शिक्षकों के लिए चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तुरंत निलंबित करने का आग्रह किया गया है। PHET विभाग के अधिकारी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इससे जुड़ी खबर सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला भागलपुर का है, जहां PHED विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के घर से जोगसर पुलिस के द्वारा मिली गुप्त सूचना के आधार पर ASI शक्ति पासवान के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है, जिसका अधिकारी के निजी गार्ड के द्वारा बिक्री की जाने वाली थी। बता दें कि मौके से पुलिस के द्वारा निजी गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान की भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी विजय कुमार का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके नीचे गार्ड के द्वारा शराब का बड़े पैमाने पर धंधा किया जा रहा है। फिलहाल गार्ड पर मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की पूरी जाँच की जा रही है। राजधानी में तीसरी आंख से निगरानी कर रही पुलिस। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में यातायात नियम का पालन कराने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि न केवल यातायात नियम का पालन करवाने में काम आ रहे हैं, बल्कि उस कैमरे से अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। मालूम हो कि कई ऐसे मामले हुए हैं जिनका खुलासा इन CCTV कैमरों की मदद से हुआ है। इसको लेकर बीते दिन SSP राजीव मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि CCTV यातायात पालन करवाने के साथ साथ अपराधियों तक पहुंचने में भी काफी कारगर है। उन्होंने बताया कि CCTV की मदद से अभी तक कई अपराधियों को चिन्हित कर पकड़ा जा चुका है। इसके साथ ही कई लापता बच्चे को भी उनके माता पिता और परिजनों से मिलवाया गया है। अपराधी घटनाओं में भी CCTV के माध्यम से पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी CCTV के माध्यम से अपराधियों को पकड़ना आसान रहने वाला है। बिहार के कई जिलों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार में मॉनसून का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ उमस से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 3 अगस्त को प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के भाग में एक या दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही वज्रपात के और
विसर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं 4 अगस्त को लेकर जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भाग में 1 से 2 जिलों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इस वजह से फिर से बढ़ सकती है टमाटर की कीमत। इन दिनों बाजार में टमाटर की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम लोगों के लिए टमाटर खाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कई स्थानों पर टमाटर की कीमत में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में अब एक बार फिर से टमाटर की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब मंडियों में थोक व्यापारी खुद 200 रुपए किलो टमाटर खरीदने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में इसका असर खुदरा मार्केट में भी देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा टमाटर की कीमत में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, कमीशन और अन्य शुल्क जोड़ने के बाद टमाटर की कीमत में और भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रिटेल मार्केट में आते आते टमाटर की कीमत में 200 रुपए किलो के पार तक पहुंच सकती है। गया में 7 से 9 अगस्त तक होगी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा बिहार के गया जिले के गया कॉलेज खेल परिसर में 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक द्वितीय राजा कर्ण राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर के लगभग 200 खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता को लेकर गया कॉलेज खेल परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसमें अंडर 9, अंडर 14, सब जूनियर व सीनियर वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस दौरान इंडियन राउंड, रिकर्व व कंपाउंड 3 तरह के प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है। इस प्रतियोगिता को लेकर गया मगध आर्चरी के तीरंदाजी कोच जयप्रकाश के द्वारा कहा गया कि इस प्रतियोगिता से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी और वे अच्छा स्कोर बना पदक पा सकते हैं। सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर यूपी प्रभारी का बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी श्रवण कुमार के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसको लेकर जो भी चर्चा चल रही है बिल्कुल गलत चर्चा है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता यह जरूर चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम में तो सब कुछ पार्टी के द्वारा ही तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसकी चर्चा पूरे देश में है। विशेष रूप से दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, शोषित समाज के लोग नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाना चाह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का लालू परिवार पर हमला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि आखिर वे 100 करोड़ के संपत्ति के मालिक कैसे बने। अब तो उनकी संपत्ति को ईडी के द्वारा भी जब्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे, तो फिर आज लालू परिवार पर इतना बड़ा एक्शन होने के बाद भी वे चुप क्यों हैं? उनके तेजस्वी यादव से इस मामले में जवाब मांगनी चाहिए। लालू परिवार पर ईडी का कार्रवाई केवल दिखावे के लिए है। यदि इन मामलों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा तो जेडीयू के लिए आरजेडी पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति से मिले इंडिया के 31 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। बीते दिन बुधवार को इंडिया गठबंधन के 31 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई लोग शामिल थे। वहीं मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया कि हमने मणिपुर में जो देखा उसे राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा। हमने उन्हें बताया कि राहत शिविरों में लोगों को समय पर राशन और दवा भी नहीं मिल पा रहा। हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है और उन्होंने मेमोरेंडम के बारे में सोचने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हमें सदन में बोलने नहीं दे रही, मेरे माइक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये सरकार संविधान को नहीं बचाना चाहती है और न ही संविधान के वसूलों पर चलना चाहती है, इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करें और राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में काम करें। रोहित विराट को रेस्ट दिए जाने पर हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को रेस्ट दी गई थी। अब इसी को लेकर स्टार हरफन मौला हार्दिक पांड्या के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैच से पहले मेरी विराट कोहली के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह चाहते थे कि मैं बीच में कुछ समय बिताऊं और 50 ओवर के प्रारूप में अपनी लय हासिल करूं। उस अनुभव को मेरे साथ साझा करने के लिए मैं वास्तव में उनका आभारी हूं। एक बार जब आप एक गेंद को हिट करते हैं और लय में आ जाते हैं तो चीजें
बहुत अलग होती है। जाहिर तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम के बहुत अभिन्न अंग है, लेकिन उन्हें आराम देना जरूरी था ताकि ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सके। युवाओं को एक्सपोजर देना महत्वपूर्ण था। शुभमन गिल ने शानदार फील्डिंग की और अहम कैच पकड़ी। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज के 5 मुकाबले का पहला मुकाबला खेला जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। चंदा साहिब ने 1749 में कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन को अंबर के युद्ध में परास्त कर उसका अंत कर दिया। बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार 1985 में प्रदान किया गया। मुंबई के बांद्रा में 1998 को इमारत ढहने से 35 व्यक्तियों की मौत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में कहा कि वह भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता नहीं देगा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2012 में कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक 2010 पारित हुआ। पंचवटी यशोधरा साके जैसी कालजयी रचनाओं के कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता जयदेव का जन्म 1919 को हुआ था। भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का जन्म 1936 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर अपूर्व सेन गुप्ता का जन्म 1939 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर बलविंदर संधू का जन्म 1956 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर गोपाल शर्मा का जन्म 1960 को हुआ था। अभिनेता फैजल खान का जन्म 3 अगस्त 1966 को हुआ था। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री का जन्म 1984 को हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 1957 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का निधन 1993 को हुआ था। आज के दिन को हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वायरल में आज हम बात करेंगे आयकर रिफंड के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आयकर रिफंड के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल संदेश में दावा किया गया है कि प्राप्तकर्ता को 15,490 रुपए के आयकर रिफंड को मंजूरी दे दी गई है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। इनकम टैक्स इंडिया ने यह संदेश नहीं भेजा है। ऐसे घोटालों से सावधान रहें। YouTube ला रहा शॉर्ट्स में ये नया फीचर। YouTube शॉर्ट वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स के लिए नई सुविधा ऐड करने जा रहा है। नए फीचर में कई ऐसी सुविधाएं शामिल हैं जिसे TikTok यूजर्स तुरंत समझ पाएंगे। द वर्ज की खबर के मुताबिक YouTube यूजर शॉर्ट्स फीड में लाइव वीडियो के प्रीव्यू को ऐड करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। व्यूवर्स स्ट्रीम देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं और फिर दूसरी लाइव स्ट्रीम से भरी फीड को स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इस फीड में सब्सक्रिप्शन बेस्ड चैटिंग और मेंबरशिप जैसी क्रिएटर मोनेटाइजेशन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। कंपनी शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए भी नए फीचर्स पेश कर रही है। यह हॉरिजॉन्टल यूट्यूब क्लिप से शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाने के लिए नए टूल का ट्रायल कर रहा है, जिसमें रियल वीडियो को जूम करने और क्रॉप करने की कैपेसिटी भी शामिल है। इसके साथ ही कंपनी एक वीडियो को दूसरे क्लिप के साथ रिकॉर्ड करने की क्षमता को जोड़ रही है। कोलैब नामक फीचर में कई रोल आउट शामिल होंगे और निर्माता शॉर्ट्स और सामान्य यूट्यूब वीडियो पर प्रभाव का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। बॉलीवुड के इस पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर ने किया सुसाइड। बीते दिन पॉपुलर आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोड्यूसर और एक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने 58 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। हालांकि अब तक उनके सुसाइड करने की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा मौके पर नितिन देसाई के फिल्म स्टूडियो एनडी स्टूडियो से उनके शव को बरामद कर लिया गया है। मालूम हो कि नितिन देसाई ने कई ऐसे फिल्मों में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया है जो लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया, जिनमें शाहरुख खान के बादशाह व देवदास, आमिर खान की अकेले हम अकेले तुम व मेला, सलमान खान की फिल्म खामोशी म्यूजिकल व हम दिल दे चुके सनम दिल चले, दोस्ताना, गॉड टू सीक्रेट हो, लगे रहो, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS समेत कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को कंप्लीट किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। अगला सवाल, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी सुंदरता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध मठ। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी सासाराम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किशनगंज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अशोक कुमार, गोनर शर्मा, मुंशी मंडल, अनवर करीम खान, संजीत कुमार, रंजीत मिश्रा, प्रमोद राम, कमलेश शर्मा, चंद्रभूषण सहाय, भान प्रकाश मौर्य, नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, अतीक खान, इमरान नजीर, विजेंद्र सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में टमाटर की क्या कीमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।